रात दिन मेहनत करके एक दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को कड़ी टक्कर दी। एक पार्टी को तो बहुत पीछे धकेल दिया, चाहे मोदी जी आके यहाँ समझा के गए या राहुल जी आके समझा के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी और संदिग्ध लोगों की वजह से, षड्यंत्र से, कूटनीति से और धन बल के प्रभाव से और अपनी अहंकार और ताकत के, प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग करके बायतू की जनता की भावना को कुचलने का जो प्रयास किया है, उन अधिकारियों को और उन भ्रष्ट लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। उनकी बददुआएं हमेशा हमेशा उनको, दिन और रात उनकी जनता की बददुआएं लगती रहेगी और भगवान खुदा उनको कभी माफ नहीं करेगा। इतनी मेहनत करने के बाद में जो जनता के दिलों के अंदर कुठाराघात करने वाले एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ज्ञापन देने का भी हमारा प्रोग्राम है कि उसने सोची समझी साल के अंदर एक विशेष पार्टी के लिए पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और जो जीतने वाले प्रत्याशी को दिन रात मेहनत करके हराने का काम किया। उसके साथ में कुछ निजी स्वार्थ से लगे हुए उस संत लोगों ने, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, संत मन था, बहुत लोग थे मिलने वाले और सब संभव नहीं है सबको इतना एक, इसलिए एक साथ ही बुला लिया और अपना मन हल्का कर लें क्योंकि सब लोग सोचने के लिए मजबूर है कि इतनी मेहनत करने के बाद में लोगों ने मत पेटियों के अंदर जिता दिया लेकिन हार क्यों हुई, इसका चिंतन भी कर रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं और इस वजह से सबको यहाँ बुलाया और बड़ी संख्या में लोग अपने मन से यहाँ आए हैं और अपना आपस में एक दूसरे के विचार शेयर करके अपना मन हल्का करेंगे क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद में जो जनता के दिलों के अंदर कुठाराघात करने वाले एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ज्ञापन देने का भी हमारा प्रोग्राम है कि उसने सोची समझी साल के अंदर एक विशेष पार्टी के लिए पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और जो जीतने वाले प्रत्याशी को दिन रात मेहनत करके हराने का काम किया। उसके साथ में कुछ निजी स्वार्थ से लगे हुए उस संत लोगों ने, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, संत लोगों ने लोगों की भावना को प्रेशर से, धन बल से दबाने का प्रयास किया जिससे पूरी बायतू की जनता दुखी है, व्यथित है। जनता ही नहीं, छोटे बच्चे जो 8-10 साल के जो समझते हैं, वहां से लेकर 17-18 साल तक जो वोट नहीं लगता है, वो बच्चे सबसे ज्यादा दुखी थे। इस वजह से ये सभा रखी कि अपना अपना विचार साझा करें और अपना मन हल्का करें और लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दें कि रात दिन मेहनत करके एक दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को कड़ी टक्कर दी। एक पार्टी को तो बहुत पीछे धकेल दिया, चाहे मोदी जी आके यहाँ समझा के गए या राहुल जी आके समझा के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी और संदिग्ध लोगों की वजह से, षड्यंत्र से, कूटनीति से और धन बल के प्रभाव से और अपनी अहंकार और ताकत के, प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग करके बायतू की जनता की भावना को कुचलने का जो प्रयास किया है, उन अधिकारियों को और उन भ्रष्ट लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। उनकी बददुआएं हमेशा हमेशा उनको, दिन और रात उनकी जनता की बददुआएं लगती रहेगी और भगवान खुदा उनको कभी माफ नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं, अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आगे हमारे नेताजी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी अच्छी नहीं है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए तो ये पार्टी बहुत अच्छी है जिसने ये मंच दिया, और अगर अच्छी दूसरी पार्टियाँ होती तो हमको ला के टिकट दे देते, तो ये हमें प्रत्याशी बना देते या हमारे साथ में जो अच्छा करते, और इतनी आपको चिंता थी तो चुनाव से पहले हमें मदद कर देते। ये सब सोचने की बातें, अब लोकसभा के चुनाव के अंदर पिछली बार राष्ट्रीय हित को देखते हुए बीजेपी के साथ में गठबंधन हुआ, इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखा जाएगा। नेताजी से बात करेंगे और वो हमारे लिए पहले हैं और उसके बाद में हमारे विचार हैं और जनता के विचार जैसे होंगे सब मिल बैठ के तय करेंगे। अगर जनता ने ऐसा मन बना लिया तो नेताओं को भी मनाएंगे और उनके ऊपर उनको गाइडलाइन पार करके या उनको क्रॉस करके कहीं नहीं जाने वाले। शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, शिक्षा का पिछड़ापन की बात करते हैं आप, 5 साल तक फिर काम करने का मानस है आपका? अब देखो, अगर मानस जनता ने मेरे को मजबूर कर दिया इस चीज सोचने के लिए कि मत पेटियों के अंदर तो उन्होंने जीता दिया, ये हार हुई है तो सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टतम अधिकारियों की वजह से हुई है, इसमें जनता का कोई दोष नहीं है और मैं, जनता मुझे छोड़ेगी नहीं और मैं जनता को छोड़ूंगा नहीं। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, जनता ने मुझे जिताया है, इसको मैं हार कभी स्वीकार करूंगा नहीं और जो मेरा शिक्षा के प्रति जो प्रयत्न था वो निरंतर जारी रहेगा क्योंकि ये चुनाव भी जनता ने जीता लड़ाया है और जीता है।
कि इनके अंदर जो भी चुनाव के अंदर खर्चा हुआ है वो जनता के सहयोग से हुआ है, जनता ने किया। शुरू शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना खर्चा होगा क्या होगा, लेकिन बाद में जो जनता का अपार सहयोग मिला और अभी भी मिल रहा है, सभी अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ कार्यकर्ता अपने लेवल पे खर्चा उठा रहे हैं, बड़े खर्चे भी लोग अपने मित्र बंधु सब मिलकर इस पूरे जो चुनाव का खर्चा सब लोग वहन कर रहे हैं। तो मेरा ये कर्तव्य रहेगा कि मैंने चुनाव के अंदर शिक्षा के प्रति जो वादे किए थे वो पूरे करूँगा और जनता मेरा जितना सहयोग करती है उनका सवाया पैसा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मैं खर्च करूंगा और मेरा सकारात्मक सोच हमेशा शिक्षा के प्रति और नशा प्रवृत्ति को रोकथाम के प्रति और समाज को जागरूक करने और संस्कारवान बनाने के प्रयत्न हमेशा जारी रहेंगे।